जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं फिलहाल पहाड़गंज में और मैं रुका हूं होटल माउंट शिवा डीलक्स में। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है और ये रूम मुझे मात्र पड़ा है 1500 रुपये में। और मैं होटल की डिटेल्स आपको मेंशन कर दूंगा यहां पे, डायरेक्ट कॉल करके आप अपने लिए रूम बुक कर सकते हो। तो हमारा सफ़र होने वाला है वो होने वाला है चेन्नई राजधानी में, जिसके फर्स्ट एसी में हम लोग एंड टू एंड जर्नी करेंगे और अमेजिंग फूड ट्राई करने वाले हैं। पर मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को इस रूम के बारे में ही बताऊं, क्योंकि कई लोग भाई नई दिल्ली आते हैं, परेशान होते हैं कि भाई आप लोग कैसे स्टे करते हो, या आप लोग अगर अपनी जर्नी शुरू करने वाले होते हैं आपको पहले आना होता है। इन सभी चीज़ों के देखते हुए मैंने सोचा एक होटल आपको ज़रूर सजेस्ट करूँ जो कि बजट में भी हो, जहाँ पर आप 2-3 लोग आओ, 1500 रुपये पे करो और इतने साफ़ सुथरे रूम में और इतने साफ़ सुथरे वातावरण में रुको। और यहाँ से नई दिल्ली का जो स्टेशन है मात्र 2 मिनट की दूरी पर है। यहाँ हम लोग निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। हम लोगों ने सामान की जो सिक्योरिटी चेक है वो सब करवा लिया और स्टेशन के बाहर आपको ATM वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर पैसे वगैरह निकालने तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सुविधाओं की बात की जाए तो एस्केलेटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे कि हम लोग अभी बढ़ रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर, जहाँ से अपनी राजधानी छूटने वाली है। और यहाँ पे WG12 के साथ कोई मालगाड़ी है जो निज़ामुद्दीन को पार कर रही है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12780 हजरत निज़ामुद्दीन से चलकर झांसी भोपाल के रास्ते वास्कोडिगामा को जाने वाली गोवा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तो आज हमारी ट्रेन के पेंट्री कार को सजाया गया है। ट्रेन हमारी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लगा दी जा चुकी है, क्योंकि आज से जो केटरिंग सर्विसेज हैं वो फर्स्ट एसी में इस ट्रेन के शुरू हो रही हैं, इसलिए इस ट्रेन को यहाँ पे आज सजाया गया है। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट एसी कोच में, देखते हैं इंटीरियर और उसके साथ आज खाने पीने की सुविधाएँ भी। गाइस ये है अपना फर्स्ट एसी लास्ट कोच है, चलिए चलते हैं अंदर और देखा जाए इसका इंटीरियर। काफ़ी साफ़ सुथरा तो लग रहा है, बाकी देखते हैं सीट्स कैसी हैं इसकी। ये रहा अपना ई कूप, ओ काफ़ी साफ सुथरा यार, सच में कोच तो फिलहाल काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है। हाँ बट सजावट की कमी है, पर्दों की कमी है जो कोरोना काल से पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलते थे। और साथ ही साथ अंदर भी डेकोरेशंस होती थी, यहाँ पे पर्दे होते थे, वो चीज़ आज भी इस कोच में मिसिंग है, लेकिन सुविधा आज भी वैसी ही है। ये है 4 लोगों की सीट वाला केबिन, यहाँ पे 4 लोग होते हैं। और भाई ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ दी गई हैं, सीटें बहुत ही वाइड होती हैं, मतलब 2 लोग आराम से इसमें आ सकते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और चार्जिंग सॉकेट सब जगह दिए गए हैं, डस्टबिन है इस कोच में, खाने पीने के लिए टेबल्स दी गई हैं। और ये जो डोर है ये ऐसे बंद हो जाता है, जिसके बाद ये जो है आपका एक पर्सनल रूम बन जाता है। ये जो डोर है ऐसे बंद हो गया, इसे आप अंदर से लॉक कर सकते हैं और ये बन जाता है आपका एक पर्सनल रूम। यहाँ बिल्कुल राइट टाइम 3:35 PM पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 7 से हज़रत निज़ामुद्दीन के, और दूसरी तरफ मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस खड़ी हुई है। निज़ामुद्दीन सर, थैंक यू सर। तो हमारे लिए आज का है 2 बोतल पानी यहाँ पे जर्नी की शुरुआत में, थैंक यू सर। अभी खाना भी खिलाएंगे सर। श्योर। और यहाँ निज़ामुद्दीन से निकले हमको 10 मिनट हुए हैं और ट्रेन 1:30 की रफ्तार अब पकड़ चुकी है, बहुत ही तेज चली अपनी राजधानी एक्सप्रेस। Thank you.
यहाँ पे अपने इवनिंग स्नैक्स आ चुके हैं और इसमें है कचौरी, यहाँ है कुछ काजू, रोस्टेड काजू और टी किट जिसमें अभी हम लोग चाय बनाने वाले हैं, एक सैंडविच और ये हल्दीराम्स के बेसन के लड्डू, किसान का जैम। देखिए हमें चले हुए कितना समय हुआ है, बस 40 मिनट हुए हैं और पहली सर्विस जो है वो ट्रेन की शुरू हो चुकी है और इसमें है गर्म पानी जिससे हम लोग चाय बनाने वाले हैं। ट्रेन हमारी लगातार 130 की रफ्तार में चल रही है और सामने एक साफ सुथरा मिरर। टी बनाने के लिए हमें शुगर, मिल्क पाउडर और गर्म पानी और एक टी बैग दिया गया है जिसकी मदद से हम लोग चाय आज बनाने वाले हैं। तो गाइज़ ये है ट्रेन की चीज़ सैंडविच, इसमें मतलब काफ़ी क्वांटिटी में चीज़ की एक अच्छी खासी लेयर डाली गई है। ये है बेसन का लड्डू और ये है प्यारी सी कचौरी ट्रेन की। चलिए जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं इन्हें। कचौरी जो है काफ़ी छोटी है लेकिन टेस्टी है और चाय के साथ काफ़ी बढ़िया लग रही है। बारी सैंडविच की है, देख लेते हैं भाई इसमें सच में कितना चीज़ क्या पड़ा हुआ है। हाँ तो एक अच्छी खासी लेयर पड़ी हुई है वो चीज़ की। तो दोस्तों हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं संदीप भाई। अरे कहाँ जा रहे हैं? तो दोस्तों हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं संदीप भाई। संदीप भाई फर्स्ट टाइम जर्नी करने से पहले आप भी सोचते हो ना कि भाई केटरिंग चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं या नहीं, सबके मन में डाउट होता है। तो अभी क्या है आज सीन बताओ? आज हम लोग जब बोर्ड हो रहे स्टैंड में ना, ये पहला रन है इसका जब इसमें केटरिंग शुरू हुई है कोविड के बाद से। तो और इसलिए हमने टिकट इसमें कराई थी कि जो फर्स्ट खाना पीना वो दिखा पाएंगे, तभी आता है जब केटरिंग मिल रही है, जब खाना पीना मिल रहा हो। तो और इसमें जो फूड है उसका जो प्राइस है वो आपके टिकट में इंक्लूड कर दिया जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपको नहीं लेना है भाई, अगर आप फूड नहीं लेना चाहते हो रास्ते में, तो आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हो। वैसे 1200 रुपये हमें केटरिंग लगा है दिल्ली से चेन्नई तक और जो टोटल फेयर है वो 7200 लगा है। तो आप अंदाज़ा लगा लो फर्स्ट क्लास किराया कितना। दूर दूर तक दोस्तों सरसों की खेत बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गोवा एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के बाद अब बारी है मथुरा जंक्शन को स्किप करने की। वैसे तो हम लोग मथुरा जंक्शन को स्किप करने वाले थे पर यहाँ पे अपनी ट्रेन रुक चुकी है मथुरा में और बहुत ही खूबसूरत सी शाम है आज दोस्तों। और बस कुछ ही समय के हॉल्ट के बाद यहाँ से हम लोग निकल भी चुके हैं। हमने आप जो रूट अलग जाता हुआ हमसे देख रहे हैं वो जा रहा है कोटा की ओर, कोटा रतलाम होते हुए मुंबई अहमदाबाद लाइन बन जाती है वो, और हम लोग बढ़ रहे हैं आगरा होते हुए झांसी लाइन की ओर। वैसे मथुरा से कासगंज, अचनेरा ऐसे बड़े बड़े रूट्स के लिए ट्रेनें चला करती हैं। आज भी ट्रेनें इन सभी रूट्स के लिए जा रही हैं। तो आप अगर मथुरा उतरना चाहते हैं इन सभी रूट्स में जाने के लिए तो आपको और कोई ट्रेन लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारी राजधानी का यहाँ पर स्टॉप नहीं है। यहाँ हमसे कोटा वाली लाइन अलग हो चुकी है। गोंडवाना एक्सप्रेस
दोस्तों ठंड में जर्नी करने के मजे ही कुछ और है भाई। सरसों के खेतों के बीच से गजब की रफ्तार में गुजर रही है अपनी ट्रेन। वैसे अभी हमने गोंडवाना एक्सप्रेस को ओवरटेक किया, उससे पहले गोवा एक्सप्रेस को किया, कौन सा बेटर लगा ओवरटेक बताइएगा। एक और ओवरटेक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि महाकौशल एक्सप्रेस को जो कि जबलपुर की हो जाती है उसे भी हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं। ये 2 बजे चली थी निजामुद्दीन से और हम लोग 3:30 चले हैं। चलिए देखते हैं ओवरटेक। से कुछ ही समय में हम लोग आगरा पहुंचने वाले हैं और ये लाइन आ रही है भरतपुर से और सामने है हमारे ईदगाह रेलवे स्टेशन जो कि आगरा फोर्ट की ओर जाता है। यहाँ पे एक ट्रेन आगरा कैंट से भरतपुर वाली लाइन की ओर बढ़ते हुए सिग्नल जो है ग्रीन हो चुका है क्योंकि इंडिया की सबसे तेज ट्रेन आने वाली है। यहाँ हमारी ट्रेन आगरा कैंट से होती है और सामने आती है हमारे गतिमान एक्सप्रेस जो कि आगरा कैंट से छूट रही है। भारत की सबसे तेज ट्रेन झांसी हजरत निजामुद्दीन गतिमान एक्सप्रेस और हम लोग पहुंच रहे हैं अभी आगरा के। समय हो रहा है 5:45 यानी 5:45 PM जिसके कारण हमारी किस्मत थी और हमें गतिमान के साथ क्रॉसिंग देखने को मिली। महाकौशल एक्सप्रेस का भी ओवरटेक होगा जो कि ये हमारे सामने खड़ी है। काफ़ी बस्ते बजाते ये ट्रेन हमारी ट्रेन को थोड़ा सा लेट करते हुए पहुंच चुकी है आगरा। तो दोस्तों यहाँ पे 187 किलोमीटर की दूरी को हम लोग 2 घंटे 10 मिनट में तय करते हुए आगरा कैंट पहुंच चुके हैं। 5:28 में यहाँ पे हमारा अराइवल टाइम था और मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था, पर हम लोग यहाँ पे लगभग 5:45 पहुँचे हैं और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। आगरा अपने ताजमहल और पेठे दोनों ही चीज़ों के लिए काफ़ी मशहूर है। बाकी अगर आप लोग आगरा से हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ तक जो हमारी ट्रेन का रन था काफ़ी कमाल का रहा है और मैं ये कहूँगा कि 1:30 लगातार चली है, लेकिन जो ट्रेनें आगे चल रही थी इनके कारण बीच बीच में धीरे होना पड़ रहा है, लेकिन राजधानी है भाई तो ओवरटेक तो करेगी। ओवरटेक गजब के किए हैं और महाकौशल एक्सप्रेस को सीधा आगरा में आकर के हम लोग पीछे छोड़ेंगे और बढ़ जाएंगे अब आगे की ओर। यहाँ हम लोग आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से भी निकल चुके हैं। यहाँ पे देखिए आगरा कैंट पे हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं महाकौशल एक्सप्रेस को। और दूसरी तरफ आज की है पुणे जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस। तो यहाँ पे दोस्तों अपना सूप आ चुका है। तो दोस्तों मेरा सबसे फेवरेट सूप आ चुका है और जो कि टोमेटो सूप है और अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं। देखते हैं कैसा इसका स्वाद, बहुत ही लाजवाब है। मतलब हम लोगों ने ऐसा घर में तो बनता ही नहीं है जैसा इसमें बना है और धनिया वगैरह काफ़ी अच्छे से पड़ी है। जो स्वाद है बहुत ही अच्छा है और ये ज़्यादा अच्छा लगता है जब हमारे पास अमूल की बटर हो और सूप सीख हो। यहाँ पे ट्रेन बोलपुर जंक्शन को स्किप कर रही है। ऐसा दिखता है अपना फर्स्ट एसी का कोच, सभी शीशे खिड़कियां चमक रही हैं और लाइटिंग जो है काफी कमाल की लग रही है। Hadrat
तो गाइज अपना 6:55 का टाइम था और यहाँ पर हम लोग 7:05 पर पहुँचे ग्वालियर जंक्शन। ग्वालियर को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक रूट जाता है भिंड की ओर और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी झांसी लाइन पे, दिल्ली लाइन से हम लोग आ रहे हैं। और पहले यहाँ से श्योपुर कलान के लिए भी रूट गया हुआ था। और वैसे मैं आप लोग को बता दूँ कि एक लाइन यहाँ से गुना की ओर भी गई हुई है जहाँ से भिंड रतलाम इंटरसिटी वगैरह ट्रेनें जाती हैं, तो इसलिए ग्वालियर एक महत्वपूर्ण जंक्शन हो जाता है। ग्वालियर अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे जो फोर्ट है उसे विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी ग्वालियर अपने आप में एक खास जगह है। जो लोग ग्वालियर से हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें घूमने वाली हैं और आप लोग क्या चीज़ें रिकमेंड करेंगे। वैसे अगर आप किसी नॉर्मल ट्रेन में आ रहे हो तो ग्वालियर की जो बिरयानी है जो स्टेशन में मिलती है 50 रुपये की, वो काफ़ी स्वादिष्ट होती है, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। फिलहाल हम लोग राजधानी में हैं तो यहाँ से इसके बाद डिपार्चर पे आपको फर्स्ट एसी का खाना पीना भी अब देखने को मिलेगा, डिनर हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर, मात्र 2 मिनट का हमारा यहाँ पे हॉल्ट है। यहाँ पे ग्वालियर अहमदाबाद एक्सप्रेस खड़ी है और हम लोग निकल चुके हैं अब ग्वालियर से। ग्वालियर का स्टेशन कोड है GWL और यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आज काफ़ी वेंडर्स आए थे यहाँ पे ट्रेन में बिरयानी वगैरह सेल करने के लिए, जैसे यहाँ पे ये पर ट्रेन में अब पेंट्री शुरू हो चुकी है तो अब ये लोग यहाँ पे सेल नहीं कर पाए हैं कुछ चीज़ें। तो हमारा जो अगला स्टॉप है वो होगा झांसी और यहाँ पे लगभग हम लोग 300 से ज़्यादा किलोमीटर को तय कर चुके हैं और हमें चले हुए भी 4 घंटे हो चुके हैं अब दिल्ली से, लगभग 3.5 घंटे हो चुके हैं। झांसी के पहले ही लग जाता है ना, झांसी के पहले ही लग जाता है ना, इच्छा आपका बाद में खा लीजिए। तो दोस्तों हम लोग की जो डिनर की प्लेटें हैं यहाँ सज चुकी हैं, एक कांच की प्लेट दी गई है और साथ में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अभी खाने पीने की, लेकिन ये आपको हम झांसी के बाद दिखाने वाले हैं और इसका आज रिव्यू संदीप भाई करेंगे जो कि अभी बिजी हैं थोड़ा सेल्फीग्राफी में। अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद मतलब ऐसे फर्स्ट में डिनर है ना, तो इसका जो रिव्यू हम झांसी की बात करेंगे क्योंकि 10-15 मिनट का टाइम झांसी आने में, अभी खाना पीना अगर खोलेंगे तो फिर ना ये ढंग से हो पाएगा ना वो ढंग से हो पाएगा। मिलता हूँ आप लोगों से झांसी में। यहाँ पे आ रही है अपनी कानपुर लाइन और हम लोग पहुँच रहे हैं अब झांसी जंक्शन। दोस्तों KGM बैग 9 और यहाँ पे ट्रेन झांसी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। तो दोस्तों 4:45 में हम लोग 404 किलोमीटर की दूरी तय करके झांसी जंक्शन आ चुके हैं। यहाँ से कानपुर झांसी वाली लाइन तो मैंने आपको दिखाई ही, लेकिन एक और लाइन यहाँ से निकलती है मानिकपुर होते हुए प्रयागराज की ओर और दिल्ली लाइन से हम लोग आ रहे हैं भोपाल लाइन पर बढ़ने वाले हैं। झांसी जंक्शन इस रूट का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है और यहाँ पे हमेशा ही आपको भीड़ देखने को मिलेगी। खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं हमेशा यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। और हमारी चेन्नई राजधानी यहाँ पे थोड़े से डिले के साथ, 5 मिनट के डिले के साथ पहुँच चुकी है और बाकी ओवरऑल जो रन था ट्रेन का यहाँ तक बहुत ही बढ़िया था। ट्रेन यहाँ तक लगातार 130 की रफ्तार में चली और काफ़ी मज़ा आया मुझे सफ़र में। तो दोस्तों यहाँ अपनी ट्रेन झांसी जंक्शन से निकल चुकी है और मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली राजधानी के फर्स्ट एसी की जर्नी भी यहीं से की थी, बिलासपुर राजधानी में, और वो संदीप भाई की भी पहली राजधानी के फर्स्ट एसी की जर्नी थी। उसमें मज़ा काफ़ी आया था और हम लोग केवल झांसी से दिल्ली तक ही सफ़र किया था उसमें, और हम लोगों ने उसमें प्रॉमिस किया था कि ऐसी जर्नीज करेंगे जिसमें डिनर लंच वगैरह सब कुछ सर्व हो, और देखिए वही सिलसिला आज भी चल रहा है 1.5-2 साल बाद भी हम लोग आपके लिए ऐसी जर्नीज करते हुए बढ़ रहे हैं अपने सफ़र की ओर। और झांसी से फाइनली हम लोग चल चुके हैं, मात्र 5 मिनट का हॉल्ट हमारी ट्रेन का यहाँ पे था और ज़्यादा देर हम लोग नहीं रुके हैं। लेकिन खाने पीने की आप सुविधाएँ देख लीजिए, सभी चीज़ें आपको झांसी में मिल जाएंगी, कोई दिक्कत आपको यहाँ होगी नहीं। बाकी सहायता वगैरह के लिए पुलिस को आप संपर्क कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ मौसम में जो ठंडक है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, हम लोग 8 दिसंबर में यात्रा कर रहे हैं, ये सफ़र पता नहीं आप लोग शायद दिसंबर के महीने में ही देख पाएंगे, लेकिन ठंड जो है वो काफ़ी है तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। यहाँ ख़त्म होता है अपने झांसी का खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म झांसी के डीजल लोकोमोटिव के साथ। चंदा मामा काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं आज, आसमान काफ़ी साफ है, तारे वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मानिकपुर प्रयागराज वाली लाइन जो है वो अलग हो जाती है हमसे और हम लोग भोपाल लाइन की ओर बढ़ रहे हैं झांसी से अब।
तो गाइस जल्दी से देखते हैं क्या है खाने में। और ओहो हो, इसमें पहली चीज़ दाल निकली है और दाल काफ़ी अच्छी लग रही है यार। प्याज टमाटर दिख रहे हैं इसमें, काफ़ी थिक भी है। सबसे अच्छी बात है कि एकदम गर्म गर्म सर्व हुआ था। खैर हमारी गलती है, हमें इसे थोड़ा डिले किया, पर आप लोग के लिए जर्नी में सभी चीज़ रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी है, एक ज़िम्मेदारी के तौर पर मानता हूँ मैं उसे। और यहाँ पर देखिए आलू की ड्राई सब्ज़ी, जो कि मुझे देखने में ही काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें पनीर भी पड़ा हुआ है क्योंकि, और साथ में देखने इसमें क्या है, हो सकता है इसमें पनीर। वाओ, इसमें पनीर, ये भी काफ़ी थिक लग रही है देखने में। देखिए आप लोग जो इसका टेक्सचर है कितना लाजवाब लग रहा है। पनीर के पीसेज हैं एक्चुअली इसमें। कई बार जो हमें मील्स मिलती है उसमें पनीर के पीसेज ही नहीं होते, यहाँ पे अच्छे खासे पीसेज हैं पनीर के। और इसमें राइस ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब वही एक चीज़ जो है वो बची है। तो चलिए इसमें राइस है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, ये नॉर्मल राइस नहीं है, ये जीरा राइस है। इसमें ज़ीरा और घी दोनों को फ्राई किया गया है। और इसमें है हमारे कुछ पराठे जो कि काफ़ी अच्छे से तले हुए लग रहे हैं। और अचार, एक टिश्यू, और यहाँ पे नमक आपको दिया जाता है, साथ में दही है भाई, जिसे पसंद ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं चाहता हूँ कि इसका रिव्यू संदीप भाई करें, तो संदीप भाई से जानते हैं कैसा है इसका टेस्ट। आप करो ना, मैं दिखाऊंगा ना सब। चलो ठीक है, लगे हाथों टेस्ट जो लगे हाथों टेस्ट कर लेते हैं खाने को भी। भाई ये ग्रेवी इसकी बड़ी अच्छी लग रही है पनीर की, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही अच्छा है। मतलब घर में ऐसी बनती है सब्जी। आप ये ट्राई करो यार, और रेटिंग ज़रूर देना सबको 10 में, ठीक है। ये तो भाई बहुत ही अच्छी थी। ये मिक्स वेज है, ड्राई मिक्स वेज, इसको भी ट्राई करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। और दाल तो देख के अच्छी लग रही है, इसको टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी टेस्ट कर लेते हैं। अति उत्तम। 10 में कितनी रेटिंग दोगे भाई? ऐसे खाने मतलब मिलते नहीं है ना ट्रेन में, तो इसको 10 में से हम 10 ही देंगे। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और चावल को तो टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे ही अच्छे होते ही हैं। बाकी फूड वर्थ है, मतलब अगर आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको इस ट्रेन में खाना बहुत ही अच्छा मिलेगा, बिल्कुल घर वाला जो फीलिंग है ना वो आएगा आपको। तो दोस्तों खाना सच में बहुत ही टेस्टी है, मैंने भी ट्राई किया यार, 10/10 के लायक है। मतलब इससे पहले मैंने सिकंदराबाद दुरंतो में ट्रैवल किया था, भुवनेश्वर राजधानी में, ऐसे बहुत सारी ट्रेन में किया हुआ है फर्स्ट एसी में जर्नी, पर आज मैं कह सकता हूँ कि सीआर राजधानी के खाने को किसी ट्रेन के खाने ने टक्कर दी है। सच में खाना बहुत ही टेस्टी है। बाकी ओवरऑल एक और जर्नी में सीआर राजधानी में भी करने की इच्छा जता रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी खाना बहुत लाजवाब मिला था पहले। तो पहले आज इस खाने को फिनिश करता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी। तो दोस्तों एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो कई लोगों के मन में डाउट है। दोस्तों 3AC और 2AC का जो खाना है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, और वो बाहर से चढ़ाया जाता है, मतलब IRCTC की जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ से वो खाना चढ़ाया जाता है। और जो फर्स्ट एसी का खाना है वो ट्रेन में ही बनाया जाता है। जब आपकी जर्नी शुरू हो रही है तब आपका जो ऑर्डर है वो पहले से बना हुआ आएगा, लेकिन बाद में जो आप अगर आप डिनर लंच या कुछ ऐसी चीज़ करते हैं तो फ्रेशली प्रिपेयर किया जाएगा फर्स्ट एसी के कोच में ही। तो जो हमारे पराठे हैं, जो सब्जियां हैं, जो सभी चीज़ें हैं, उसमें इतना अच्छा टेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ट्रेन के शेफ के हाथों के बने हुए हैं, ये किसी फूड फैक्ट्री से चढ़ाए हुए नहीं है, ये ट्रेन के बने हुए हैं और बहुत ही टेस्टी है सही में। तो गाइस डिनर वगैरह अपना हो चुका है, और डेजर्ट में अपने पास दो ऑप्शन है, या तो आप आइसक्रीम चुन सकते हो, या तो ये सकते हो, या तो दोनों ही ले सकते हो। वैसे हम लोगों ने दोनों ही चीज़ ले ली है। अब इसमें क्या है, ये एक सरप्राइज़ है। ओहो, ये तो मुझे काफ़ी पसंद है, गुलाब जामुन और रसगुल्ले भी मिलते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, और साथ में आइसक्रीम है। वैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी ज़ोरदार होता है, लेकिन आज मेरे को थोड़ा सा जुकाम है, इसके लिए मैं केवल इसे ट्राई करूँगा। चलिए देखते हैं कैसा इसका टेस्ट। घी की स्मेल आ रही भाई, ये भी काफ़ी स्वादिष्ट है। फर्स्ट एसी की एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी बेहतर लगती है वो है ये पैसेज, जहाँ पे आप खाना पीना खाने के बाद वॉक भी कर सकते हो, वो भी काफ़ी कंफर्टेबली।
यहाँ पे भोपाल के आउटर पे निशातपुर केबिन पे हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं जम्मू तवी पुणे झेलम एक्सप्रेस को। तो गाइज यहाँ पे अपनी ट्रेन 11:40 पर 10 मिनट के डीले के साथ पहुँची है भोपाल जंक्शन। इंदौर के लिए भाई यहाँ से लाइन गई हुई है और हम लोग बढ़ने वाले हैं अभी इटारसी वाली लाइन की ओर, जहाँ से स्ट्रेट बढ़ जाएंगे साउथ लाइन की ओर नागपुर होते हुए। कल सुबह हम लोग पहुँचेंगे 8 बजे तक बल्हाशाह। खैर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है यहाँ तक और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगा, क्योंकि मैंने इसमें कोशिश की है कि खाना पीना ओवरटेक रफ्तार इंटीरियर सब कुछ मैं इसमें आपको दिखाऊँ। लेकिन एक चीज़ और है, फर्स्ट एसी के कोर्स में कल हम देखेंगे डे टू की जर्नी में डे टू का कंप्लीट खाना, जैसे ब्रेकफास्ट लंच इवनिंग स्नैक्स वगैरह, और डिनर मिलता तो वो भी आप लोग देखोगे, क्योंकि रात 8:30 बजे तक हम लोग चेन्नई पहुंचने वाले हैं। और फर्स्ट एसी कोच में भाई शावर रूम भी होता है, मतलब जहां से आप नहा सकते हो, वो भी मैं आपको पार्ट टू की जर्नी में दिखाने वाला हूं। फिलहाल काफ़ी मैं थक चुका हूं क्योंकि लगातार रिकॉर्डिंग चल रही है और भोपाल जंक्शन में हम लोग खैर पहुँच ही गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस जर्नी के इस पार्ट को यहीं पेंट करते हैं, मिलता हूँ आप लोगों से अगले पार्ट में। फिलहाल के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा और घर परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।